अरे अपनी मीटिंग में तीन बादशाह है और तीन बेगम है, मतलब बेगम पीछे बैठी है, अपन तीन दूनी छह लोग है और बाकी अभी आ रहे है, मिला के हो जाएंगे 25 लोग। और अपने को मीटिंग में एक ये वाला निर्णय लेना है कि जैसे गेंदबाजी कर रहे है अपन, तो गेंदबाजी में बीच बीच में पत्थर नहीं मारना है, क्योंकि ऐसे में अरे आया वर्ल्ड कप, भारत देश रे जीतेगी मोरी धोनी की इंडिया। अब धोनी कैप्टन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन रोहित भैया तो कैप्टन है, वही जीत जाएंगे। और क्या बोलते सूर्या भैया, ये बाकी सबको खिलाना, 15-15 खिलाड़ी लोगों को खड़े करना और बाकायदा सबको है कि नहीं टीम में रखना, मेरे को भी ले लेना आपकी टीम में। अरे मेरा चांस हो गया था, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, देख एक तो तू श्रीलंका का प्लेयर है और वो हमारी टीम में खेलेगा तो वो मेरे प्लेयर फिर वो 12-13-15 हो जाएंगे, और एक टीम में 11 रखते बोले IPL रहता तो एडजस्ट कर भी देते 12-13। और क्या बोलते आयरलैंड दौरे पर वो बुमराह को कैप्टन बनाने का चल रहा है, धीरे धीरे मैं भी मोटा हो रहा हूँ तो मेरे को कैप्टनशिप से हटाने वाले है, तो उसका कुछ तेरी टीम में जमा दे मत। अरे रोहित ब्रो आप नाराज मत हो जा करो यार, अगर आप नाराज हो गए ना तो पूरी टीम की वाट लग जाएगी, और ऐसे में ये आप क्या उधर क्यों जा रहे हो, आप अपनी टीम के कैप्टन बने रहो। और वेस्ट इंडीज में अभी जितना एक नंबर का परफॉर्मेंस करा बोले आपकी टीम ने, शानदार वजनदार और क्या गजब की गेंदबाजी हुई, क्या गजब की बैटिंग हुई, यशस्वी भाई ने भी एक नंबर नया छर्रा है और मजे ला दिए यार उसने, उसको 11 रुपए का पुरस्कार का कार्यक्रम तो रखेंगे। पर एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था और अचानक बाजू वाले ने वो साइकिल तेजी से ले ली और मेरे ऊपर पूरा कीचड़ आ गया, तो मेरा पेंट रंग गया और उसने साइकिल रोकी और क्या मेरे को बोले 500 रुपए दे, जबकि उसने मेरे को देना था कि मैंने उसको देना था, आप बताओ। अरे अबे तू जीरो बैलेंस वाली बात मत करा कर यार, वो तुमने उधर ही वो मामला सेटअप कर देना था, वो छोटी छोटी बातें लेकर तू मीटिंग में आता है और इतने दूर से मीटिंग में किराया भाड़ा लगा के तू यहाँ आ जा मीटिंग में एक छोटी सी बात बताने के लिए, उधर ही फोन पे शार्ट आउट कर देता, लगे तो मैं तेरे इसमें 11 रुपए का बैलेंस डाल देता। खैर 11 का नहीं डलता, 15 का डलता है।